उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया एंड बदले में उन्हें क्या मिला, ये चीज अगर आपको जानना है सो डेफिनेटली मूवी देखना बनता है गाइस। एक ऐसी मूवी जिसके लिए आर माधव ने सब कुछ अपना कुर्बान किया गाइस, मैं हर बार बोलता हूँ एंड फिर से बोलूंगा, आर माधव ने अपना सब कुछ कुर्बान करने, अपना दाग तक तोड़वाने के लिए तैयार हो गया बंदा। एंड इस मूवी के लिए दीवान एंड ओनली SRK एंड सूर्या दोनों सुपरस्टार्स ने बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं किया मूवी में काम करने के लिए। ऐसी लेजेंडरी मूवी आती है एंड कहीं ना कहीं जिस तरह का इसको सपोर्ट मिलना चाहिए था ऑडियंस के साइड से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। यस गाइस, मूवी काफी डिसअपॉइंटिंग कलेक्शंस कर रही है फ्रॉम अपने फर्स्ट डे टिल अपने फोर्थ डे। यस गाइस, कलेक्शंस में काफी ज्यादा गिरावट हर बार से आ रहे हैं। उम्मीद थी कि मूवी काफी जबरदस्त ओपनिंग करेगी बट मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 1.75 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के साथ शुरुआत किया। मूवी ने अपने सेकंड डे कलेक्शंस के सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़। उम्मीद थी कि काफी जबरदस्त तरीके से जंप आएगी सैटरडे के दिन, लोग देखे होंगे तो अच्छा खासा रिव्यूज देंगे, अच्छे खासे तरीके से लोग जाएंगे मूवी को, बट उतना जबरदस्त रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड थर्ड डे की अगर बात करते हैं संडे के दिन, संडे के दिन भी सिर्फ और सिर्फ कलेक्शंस देखने को मिले 3.66 करोड़ एंड फिर एक बार डिसअपॉइंटिंग कलेक्शन। अब बात करते हैं आज के दिन, आज इस मूवी का फोर्थ डे था, आज था मंडे एंड आप जानते हैं कि जब मूवी ने अपने वीकेंड में कलेक्शन नहीं किया तो गाइस आज तो अपने वीकडे स्टार्ट हो चुके हैं। मंडे टू फ्राइडे बड़ी बड़े मूवीज को मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। एंड अगर बात करते हैं रॉकेटरी, सो गाइस रॉकेटरी तो अपने फर्स्ट डे से ही काफी बुरे सिचुएशन से चल रही है, सो आप सोचिए ये मूवी किस तरह से खुद को सर्वाइव करेगी। जब तक ऑडियंस का इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक नॉर्मल लोग नहीं समझेंगे कि ये मूवी कितनी इंपॉर्टेंट है, गाइस जब आप इस तरह की मूवीज का सपोर्ट करते हैं तभी डायरेक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आता है इस तरह की अच्छी खासी मूवीज को लाने का, वरना अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वही पुरानी घिसी पिटी मांस मसाला पाते रहोगे और बस उसी के साथ अपने मूवी का एंजॉय करना। यस गाइस, अगर बात करते हैं आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का, आज फोर्थ डे में मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, सो गाइस सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी आई है काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। यस गाइस, हिंदी साइड से सिर्फ और सिर्फ 9% की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल। अगर बात करते हैं तमिल साइड से जहाँ पे स्क्रीन्स कम है बट ऑडियंस ज़्यादा जाती थी, बट आज के दिन मंडे के दिन यहाँ पे ऑक्यूपेंसी नज़र आई है सिर्फ और सिर्फ 12%। यस गाइस, सिर्फ और सिर्फ 12% की आज की तमिल साइड से ऑक्यूपेंसी नजर आई। अगर बात करते हैं तेलुगु, सो गाइस तेलुगु साइड से सिर्फ और सिर्फ 7% एंड मलयालम तो बताने के लायक ही नहीं होता, इतना बुरा सिचुएशन मलयालम का साइड से चल रहा है, इसकी ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग आ रही है। सो इसी के साथ मूवी आज के दिन कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ 80 लाख से लेकर के 1 करोड़। यस गाइस, 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ मूवी हार्डली टू हार्डली अर्न कर पाएगी। एंड इसी के साथ मूवी का 4 दिनों का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नजर आ रहा है लगभग 9.7 करोड़ के आसपास। एंड मेरे हिसाब से ये फिर एक बार शॉकिंग न्यूज है गाइस जानने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मूवी अपने फोर्थ डे पे लगभग 9.7 करोड़ तक कलेक्शन करती, अगर ये मूवी अपने फर्स्ट डे करती तो कहीं ना कहीं जो एक प्राउड मोमेंट सब लोग फील करते हैं, इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हर कोई, भाई साहब आर माधवन जितने भी लोगों ने इस मूवी के अंदर काम किया, फिर हर वो साइंटिस्ट, हर वो इंडियन जो इस तरह की मूवीज को देखना चाहते हैं वो अलग ही फीलिंग होती है, बट कहीं ना कहीं वो अब सपना रह गया। सो देखते हैं गाइस क्या ये मूवी आज के दिन अपने डे 4 पे कुछ शानदार कलेक्शंस करेगी या फिर एक बार शॉकिंग रिजल्ट्स आएंगे एज यूजुअल, देखते हैं क्या कुछ होता है। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखा तो फटाफट से जाकर मूवी को देखो और मूवी को सपोर्ट करो गाइस। इस तरह की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करने वाली मूवी, इस तरह की रियलिटी दिखाने वाली मूवी शायद आपको कभी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।